शराबबंदी जो है केवल कागजों पर है और जहरीली शराब से लगभग 30 से ज्यादा लोग जो है उनकी मृत्यु हुई है और कई दर्जनों भर लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खोई है। इतनी बड़ी घटना हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक कोई भी संवेदना प्रकट जो है पीड़ितों के लिए अब तक नहीं किया है और लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। बिहार में कहा जाता है कि शराब बंदी है लेकिन हर जगह शराब जो है उपलब्ध है। ये सत्ता में बैठे लोग माफिया अधिकारी ये सब कंट्रोल कर रहे हैं। बिहार में जिस प्रकार से लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, शराब उपलब्ध हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से फेल है और सत्ता संरक्षण अपराध जो है ये किया जा रहा है। लोग मरे नहीं हैं बल्कि हम कह सकते हैं उनकी हत्या की गई है। और जिस प्रकार से कोई भी पदाधिकारी या बड़ा अधिकारी किसी पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो इसमें सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन लोगों को जवाब देना चाहिए कि किस प्रकार का ये शराबबंदी चल रहा है, ये क्या खेल चल रहा है। गरीब जो है वो मारे जा रहे हैं, गरीबों पर मुकदमा होता है लेकिन शराब जो सप्लाई होता है जहां से आता है उन लोगों को छुआ तक नहीं जाता है। और जिनके संरक्षण में शराब आ रहा है कई जगह तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता जो है पकड़े गए कि किस प्रकार से ये लोग जो है शराब की ब्लैक में स्मगलिंग कराते हैं और बिकवाने का काम कराते हैं, होम डिलीवरी कराते हैं। लेकिन अभी दुख की बात है कि हमारे बिहार के लोग, गरीब लोग मरने जा रहे हैं और सरकार जो है अफसोस तक भी नहीं कर रही। शराब आ रहा है, बन रहा है, तभी तो ये घटनाएं हो रही है। अगर शराब आता नहीं, शराब बनाए नहीं जाते, नकली शराब, देसी शराब, तो ये घटना नहीं होती। और आप सब लोगों को पता है कि किस प्रकार से, आप सब पत्रकार हैं, सब लोग जानते हैं इस चीजों को कि बड़ा इजीली जो है शराब उपलब्ध यहाँ बिहार में कहीं भी उपलब्ध हो जाता है। जब आपको, हम लोगों को पता है उपलब्ध होता है तो क्या थानों में पुलिस को नहीं पता है कि कहाँ से कैसे उपलब्ध हो रहा है? सब कुछ पता है, केवल ये खेल जो है भ्रष्टाचार का है, केवल पैसों का खेल चल रहा है और लोग जो है मारे जा रहे हैं। तो एक बहुत ही दुखद घटना है, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और मुख्यमंत्री जो है अब तक जो है खामोश है। कभी भी मुख्यमंत्री किसी भी विषय पे, गंभीर विषय पे वो बोलते नहीं है। अब तो कितना दिन हो गया प्रधानमंत्री तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस से इंटरेक्ट नहीं करते, वो अलग बात है, लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी प्रेस से बात नहीं करते, सवाल नहीं लेते हैं। कितने दिन हो गए अब तक मुख्यमंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए? चाहे कितनी सी बड़ी सी बड़ी घटना हुई हो, चाहे कितना भी गर्म मुद्दा हो, आज तक किसी विषय पर मुख्यमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। और उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम संवेदना तो प्रकट कर सकते हैं, कुछ बोले ना बोले, कार्रवाई करे ना करें, लेकिन कम से कम जो जिनकी हत्या की गई है, जो लोग मरे हैं जहरीली शराब से कम वो संवेदना तो कम से कम प्रकट करें, दुख तो जाहिर करें। और कौन से वरीय अधिकारी को इन्होंने कार्रवाई की है भाई? कानून तो बड़ा लंबा चौड़ा बनाया गया है लेकिन उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा,
और नहीं हो रहा तो किसकी जिम्मेवारी है? केवल समीक्षा बैठक का ढोंग करके केवल फोटो खिंचवा के प्रेस में रिलीज डलवा दिया जाता है, होम डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है, डीजीपी नहीं रहते हैं, चीफ सेक्रेटरी नहीं रहते हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी का हाल है। अभी कुछ दिनों पहले ही होम गृह मंत्रालय की समीक्षा हुई, उसमें ना तो डीजीपी है ना चीफ सेक्रेटरी है, ये स्थिति है। देखिए इक्का दुक्का चीज है, पकड़े हैं पूरे बिहार में है कि अब शराब आ कहां से ना? जब तो कुछ तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ना कि भाई अगर बॉर्डर पे अगर शराब अंदर घुस रहा है तो वो आ कहां से? तो मेन जो लोग हैं बड़े बड़े जो मछलियां हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? सवाल तो ये पैदा होता है। और 100 ट्रक एंट्री करा दीजिएगा, एक को पकड़ लीजिएगा, उसमें अपना उपलब्धि मानिएगा। तो सब खेल जो है बिहार के लोग सब लोग समझ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए बिहार से। देखिए एक बात समझ लीजिए, ये विषय जो है इस विषय पे हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि हम सब लोगों की कोशिश रही है, हम सब लोग ये भी चाहते हैं कि नशा मुक्त हो बिहार। शराब बंदी है लेकिन शराब उपलब्ध है, लेकिन और भी नशा की जो चीजें हैं ड्रग्स वगैरह हैं वो उसकी भी जो चीजें जो हैं वो बिहार में बढ़ गई हैं, काफी और भी नशा हो रहा है। तो देखिए हम लोग तो ये चाहते हैं कि नशा मुक्त रहे बिहार, लेकिन इस विषय पे जो है खत्म होनी चाहिए नहीं होनी।